أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

शराय बकरा के अंदर सबसे पहले कुरान का रब जलकम ने तारफ़ दिया कि इसमें कोई शक नहीं है और ये सरापा हिदायत है उसके बाद अल्लाह रब्लम हाकििमिन ने उससे फ़ैज़ याब होने वाले एक बड़े गिरोह और सबसे अली गिरोह मतकी का जिक्र किया और मतकीन की सिफात को अल्लाह तब बयान फ़रमाया उसके बाद रबलिमन ने उसी के मुकाबले में वो लोग के जो बदतरीन लोग हैं वल यादम बिल्लाल्लाह तब को मुसलिम को इस गिरोह से बचा के रखे और हमारी नस्लों को क़यामत तक बचाए वो कुफ़ार कुफ़ारदी उनकी सिफ़ात को मैंने आपके सामने रखा था अख्तसार के साथ अल्लाह रब्लमिनकमिन ने फरमाया कि वो लोग अपने गुनाहों के सबब अपने दिल पर इतना जंग चढ़ा चुके हैं इतनी मैल चढ़ा चुके हैं इतना स्याह कर चुके हैं कि अब ईमान उनके नसीब में आना नामुमकिन है और नहीं हो सकता क्योंकि उनके दिलों पर मोर लग गई है और उनकी आँखें अब हक देखने से कासिर हैं कान हक़ को सुनने से कासिर हैं दिल समझने से कासिर है इसलिए वो लोग हिदायत नहीं पा सकते और इन लोगों के लिए दर्दनाक असब है आज तीसरे गिरोह के बारे में बात हो रही है वो है मुनाफिकीन मुनाफिकीन को आप समझना चाहें तो दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्ल ने फरमाए मज़हब जबी न ला इला उलाई वला इलाहा उला मुनाफिक की कैफियत और मुनाफिक किसको कहते हैं ये आयत इख्तिसार के साथ मुझे और आपको उसकी उसकी पूरी तारीफ तश्री और उसकी पूरी कैफियत को बता देती है कि मुनाफिक के अंदर क्या कैफियत पाई जाती है न हक वालों के साथ जा सकता है मुकम्मल तौर से और न बातिल वालों के साथ रह सकता है बातिल वालों के पास जाता है तो कहता है मैं आपका आदमी हूँ और हक वों के पास जाता है तो कहता है मैं आपका आदमी हूँ इनको भी झूठ बोल कर धोखा दे कर रखता है अपने साथ इन इनसे मफाद हासिल करता है और जब उनके पास जाता है तो उनके पास भी जाकर उनकी तारीफ़ करके मफाद हासिल करना चाहता है कबल इसके कि मैं इस गिरोह के बारे में आपके सामने कुछ गुफ्तू करूँ और इनायात बैनत की तफसीर आपके सामने रखूँ मुझे ये बात कहनी है कि नफा की दो किस्में हैं एक है नफा अकबर और एक है नफा के यानी आज जो हम बात करने जा रहे हैं इन आयात बीनात की रोशनी में वो नफाक अकबर है जिसके बारे में अल्लाह रब्लमी अकमलम ने फरमाया और जिसके भयानक अंजाम से बाखबर करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया इन मुनाफ़ी ना फिदर कि असफली मिनार मुनाफिक जो लोग होंगे ये नफा अकबर रखने वाले जो लोग होंगे वो जहन्नम में सबसे निचले दर्जे के अंदर और सबसे निचले घड़े के अंदर जहाँ सख्त सज़ाएँ होंगी वहाँ पर उनको फेंक दिया जाएगा गोया जहन्नम के भी दर्क़ात हैं एक से एक नीचे स्टेप है एक से एक नीचे जो है दर्क है जो नीचे स्टेप जाते हैं उनको दर्क कहा जाता है तनजली के ज़िलत रसवाई के जो गहराई होती है उसको दर्क कहा जाता है अरबी में इन मुनाफिकी न फरकिल असफ अली मिनन्नार और इसी तरह कामयाबियों के नवाजों के नियामतों के दराजात हुआ करते हैं ख़ुशियों के दराजात होते हैं इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर जब भी जन्नत का जिक्र किया तो दराजात का जिक्र किया कि वहाँ पर भी बहुत बड़े ऊँचे ऊँचे मकाम हैं एक से एक बढ़ कर है और एक से एक बड़ी नियामतों का, का हामिल है यहाँ नफा अकबर मुराद है और वह ये कि एक कोई भी शख्स वल एजम अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को बचाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन इन बुरी खसलतों से दूर रखे कि जो शख़्स इस्लाम का दावा करे क़लमा भी पढ़े लेकिन दिल उसका उस कलमे की रूहानियत से उसके मानी से उसकी सच्चाई से खाली हो उसकी सच्चाई से खाली हो यानी वो कलमा पढ़ता हो लेकिन वो दिल से कलमा कलमे को सच ना जानता हो वो लाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करते थे मदीना में जो मुनाफिन थे वो करते थे लेकिन इकरार वो सिर्फ़ ज़बान से करते थे दिल से ना उसकी तस्दीक करते थे और आमाल से उसका जो है सबूत भी वफ़ादारी का नहीं देते थे न अल्लाह के साथ वफ़ादारी न रसोल्ला वसम के साथ वफ़ारी न कलाम्ला के साथ वफ़ारी आने वाली आयात बीनात इसकी वजाहत आप सामने खोल खोल कर रख रही हैं उम्मीद करता हूँ आप बगौर समाज फरमाएंगे मेरी यहाँ ये यह गुजारिश रहेगी जब भी आप तफसीर सुने और और तफसर सुनते हुए आप सबसे पहले ये काम क्या करें बावज़ु होकर कुरान पाक को आपने सामने रख लीजिए जो आयतें आपके सामने पढ़ी जा रही हैं और जिनकी तफसीर की जा रही है उन आयतें अब वो आयत आपके सामने रहेंगी तो आप ज़्यादा अच्छे तरह से इन शी दुरुस् को समझेंगे वो कोई भी दर्स हो मेरा दरस हो किसी दूसरे मशा का दर्स हो तो आप ज़रूर बे ज़रूर कुरान को सामने रखा करें अल्लाह रब्लमिनकमिन फरमाते हैं वो वमिनन्नास लोगों में से एक ऐसा गिरोह है मैकूल जो कहता है आहनाबिल्ला जबान से ये बात कहता है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए व बिलयम आखिर व आखिरत के दिन पर भी वमा हम बम उमिन वो ईमान लाने वाले नहीं वो हैं वो इस बात में झूठे हैं वो इस बात में झूठे हैं वो सच्चे लोग नहीं हैं उनका दिल ईमान से सरशार नहीं है उन्होंने इस कलम की हक्कानियत को अपने दिल में नहीं बिठाया है अपने दिल में नहीं बिठाया वो कैसे और ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ आगे चल के आप सुनेंगे युद्ध वो इस कौल से सिर्फ़ अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं वदीन आमनू और मोमिन को धोखा देना चाहते हैं वमा वमादाउनफुस वमा शोरू और असल में ये जो धोखा देना है ना ये उनके उनका अपनी ज़ात को धोखा देना है और उनको शूर नहीं हो रहा समझ नहीं हो रहा वो चालाक बनना चाह रहे हैं असल में मुनाफिक झूठा एक शख्स झूठ बोलकर सोचता है कि मैं बड़ा होशियार बन और दूसरे को मैंने बे, बेवकूफ़ बना लिया कब तक कब तक बेवकूफ़ बनाएगा कब तक बेवकूफ़ बनाएगा बस उसकी दौड़ वहां तक है जब तक उसकी सच्चाई वाजे हो जाती अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील सलाम को भेजते और भेज कर उनके झूठे पूरे पलंदे को प्लानिंग को और जो भी वो झूठे दावे कर रहे होते उसे आगाह कर देते और आगाह करने के बाद सिवाय शर्मिंदगी के सिवाय रसवाई के सिवाय इस चीज़ के कि उनको उनके ज़िल्लत नसीब आती बाकी उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है ना ऐसे शख़्स को दुनिया में कुछ हासिल होता है ना आखिरत में हासिल होता है मेरे भाई मैं आपको ये बताऊँ कि अल्लाह अहकमुल हाकिम ने फरमाया फिर क़ुलूब इमारत असल में इनके दिल इन लोगों के दिल ये मुनाफिक जो हैं इनके दिल बीमार पड़ चुके हैं बीमार हो गए हैं और फसाद होमल हो मदा तो अल्लाह रब्लमिन ने इनकी बीमारी में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है ये बीमार दिल ही आदमी झूठ बोल सकता है जो हवस लालच और इन 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 सिफात से जो मुतसफ़ होता है और उसके दिवा दिल में और दिमाग में ऐसी कैफियत रहती हैं कि वो लालची किस्म का होता है ये एक बड़ी बीमारी है ऐसा शख्स कभी हक़ को ना कबूल कर सकता है ना हक़ को अपना सकता है और ना हक़ की हकानियत को समझ सकता है क्योंकि उसका दिल लालची होता है उसके दिल के अंदर इत्मीनान नहीं रहता और ये एक बीमार दिल की कैफियत में से एक कैफियत बयान की जा रही है पीछे भी इस चीज़ का ज़िक्र हुआ कि असल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल का ज़िक्र पहले भी हुआ और अब भी हो रहा है पहले भी जलाल हकीम ने फरमाया कुफ़ार के बारे में अला बम और यहां पर भी मुनाफिकीन के बारे में क्या कहा जा रहा है फी कलू भी मारत दिल बीमार है दिल बीमार है प्यारे नबी आसात ने इस बात को हमें इस तरह समझाया था अलाफिल जसदात इलुहत सालुह जसदुल्लू व इदा फसद फसद जसद वुल्लू अला वहुल्ब लोगो अपने दिल की असलाह करो उसके अंदर शफाफियत उसके अंदर अखलास उसके अंदर अल्लाह का खौफ उसके अंदर अल्लाह की महब्बत उसके अंदर इल्लाह, उसके अंदर इनाबत, उसके अंदर तोबा के जज्बे ये तमाम चीज़ें रहनी चाहिए अगर ये इस तरह की कैफियत हैं और दिल को किसी ने इस तरह अपने काबू में रखा हुआ है वो ख्वाहिश नफ्स और जो मन कर रहा है उस पर नहीं चल रहा बल्कि वो अल्लाह रब्लॉमीन के हुक्मों के मतहत चल रहा है सर वल जसदकुल्लू पूरा जिसम ठीक है फिर कभी हाथ चोरी को नहीं जाएंगे निगाह हराम पर नहीं जाएगी जबान झूठ पर नहीं खुलेगी और पूरे पाँव कभी जो है बुरे रास्ते पर चल कर आगे कदम बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि सोचेंगे नहीं क्योंकि दिल मना कर रहा है ये काम अच्छा नहीं इसका अंजाम अच्छा भयानक है वही फ़सदत फिर प्यारे नबी सलाम ने फरमाया अगर ये ख़राब हो गया फ़सद कुल्लू फिर तो पूरा जिस्म बर्बाद है हाथ चोरी को जाएंगे आंखें हराम मर जाएंगी कानों से गाने सुनने की ख्वाहिश ज़ाहिर होगी और ज़बा से झूठ बोलेंगे गोया पूरा जिस्म गुनाहों की लत पत में और गुनाहों की दौड़ में लग जाएगा पेट हराम मांगेगा और 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 पूरा जिस्म हरामकारी के लिए बिल्कुल तैयार रहा करेगा क्योंकि वो अंदर से तैयार हो चुका है अंदर से तैयार हो चुका है मैं आपको बताऊँ बात लंबी ना हो जाए और आज के मौजू को मुझे, मुझे मुकम्मल करना है आयात ज़्यादा हैं इसमें अल्लाह रब्बुल रब्लम अकमल हाकिमी ने सुराय मुल्क के अंदर फरमाया मन और रहमान बिल ग़ैब जो भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से तन्हाई में डर गया यानी जिसकी तन्हाई अच्छी हुई दिल एक तन्हाई है रात एक तन्हाई है कमरा एक तन्हाई है मोबाइल एक तन्हाई है नेट एक तन्हाई है यह तन्हाई जब इंसान की दुरुस्त हो जाए समझ लीजिए उसका जाहिर ठीक हो गया और जिसकी तन्हाई अच्छी नहीं है उसका जाहिर ठीक नहीं हो सकता अब ये मुनाफिकों की तनहई यानी दिल इनका ठीक नहीं था दिल के अंदर बीमारी थी अल्लाह रबालमीक ला फरमाते फिर बीमारी में इजाफा ही होना है जब दिल साफ ही नहीं करना चाहते वरूम आज़ाबन भी मकान यामलू अल्लाह फरमाते कि उनके लिए तो बड़ा दर्दनाक अजाब है क्योंकि वह झूठ बोल रहे हैं नबीम तो ने झूठ की खतूरत को वाजह करते हुए फरमाया था कि ये जो झूठ है ये ये गुमराही है और ये हिलात है अल्किबू ये जो झूठ है ये हिलात है ये बर्बादी है और झूठ का अंजाम बहुत बुरा है बल्कि प्यारे नबी नबीम ने यहाँ तक फरमा दिया था व मा यज़ाल यज़ाल राजजिब व यैैब हक का युकबोंदाबा एक शख्स झूठ बोलता है फिर झूठ की उसके अंदर इतनी हिम्मत बढ़ने लगती है कि झूठ की आदत बना लेता है और ये उसको आदत इतनी इतने इतने इतने, इतने भयानक जगह लेकर खड़ी करती है हत्या युक्त बब इंद कजाबा अल्लाह की फहरिस्त में झूठा लिख दिया जाता है वल यादम बिल्ला और रही बात सच्चाई इंसान सच्चाई बोलता है और सच्चाई को अल्लाह ताला फिर उसकी इतनी तोफीक देते हैं कि सच्चाई उसकी आदत में आ जाती है झूठ बोलना चाहेगा तभी बोल नहीं पाएगा उसकी आदत में आ जाता है फिर प्यारे नबीम ने फरमाया कि वो सच उसको अल्लाह के पास सच्चों में लिखवा देता है सच बोलिए झूठ मुनाफिक की ये बड़ी निशानी है और झूठ से बचना चाहिए वहीद अकीलह लातुफ़ सिदु फिलारद अब जब उनको ये नसीहत की जाती है कि देखो ये झूठ बोल करना ज़मीन में फसाद ना मचाओ क्या कहते हैं कल्नामानसून हम तो इसलाह करने वाले लोग हैं आज ये येत आज ये सूद खोरी का बाज़ार जो गर्म है फहाशी का बाज़ार गर्म है और इसी तरह से पर्दे बेपर्दगी का बाजार गर्म है और झूठ का बाजार गर्म है न जाने कितने घिनौने जुर्म हैं और उनके ऊपर अगर नकीर की जाती है उन उस बात को समझाने की कोशिश की जाती है तो लोग कहते हैं जनाब ये कट्टरपंथी हैं है इन लोगों के अंदर इनके अंदर तशद है और न जाने क्या क्या है और वो खुद अपने आप को ये साबित करते हैं जरा हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम तो लोगों को सहूलियात दे रहे हैं और सहूलियात के पीछे अपने गंदे अजयम रखे हुए हैं सहूलियात के नाम पर और इस्लाह के नाम पर पीछे जो अजायम हैं वो बुरे हैं कि ये कह लिया जाए कि किसी किसी सच्चे कलमे को कहकर उसके पीछे झूठे जो इरादे हैं वो मुकम्मल करने की कोशिश की जाती है और ये मुनाफि की निशानियों में ये बात रही है मुनाफि की आदत में से है कि वो जब उनको फसाद से मना किया जाता है तो वो कहते हैं हम तो असलाह करने वाले लोग हैं हम कहाँ फसादी हुए लिहाजा ये दूसरी सिफत है मेरे भाइयों कि वो अपनी ग़लती को ग़लती नहीं मानते और उससे बाज आने की कोशिश नहीं करते फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़रमायामफिदूँ वला किला शुरून फसादी तो यही लोग हैं लेकिन इनको ये समझ नहीं है ये शुरू नहीं है ये एहसास नहीं हो रहा है कि ये जो चंद दिन की मोहलत इनको दी जा रही है चंद दिन का इतदार जो दिया जा रहा है चंद दिन की जो लफाजी और ज़बान जो दी जा रही है चंद दिन ये जो, जो चैनलों पे बैठने की मोहलत दी जा रही है इसके पीछे जो ये फसाद कर रहे हैं और फसाद को इसलाह के असलाह का नाम दे रहे हैं ये असल में ये जान लें कि ये मुफसिदीन लोग हैं फसाद तो यही बरपा कर रहे हैं और फसाद को गर्म करने वाले यही लोग हैं इनको इनका शूर कम है इनके भयानक नतयज का एहसास इनके अंदर से मर चुका है वक्त आएगा वो भी जो है उनको एहसास हो जाएगा अल्लाह रब्लमी ने फरमाया वील आमिन कम आमन यहाँ एक बहुत और बात उनको नसीहत करते हुए ये भी कहा जाता है देखो पहले तो फसाद ना करो और फिर कहा गया तीसरी आयत में कि ईमान ले आओ जैसे साहबा ईमान लाए दिल से ले आए समा कहा, कुर्बान कर दिया घरों को कुर्बान किया माल को कुर्बान किया जानों को कुर्बान कर दिया अपने वतन अजीज को कुर्बान कर दिया सब कुछ कुर्बान कर दिया ऐसे लाओ ना ईमान तुम जिस तरह से दोनों तरफ मुंह मार रहे हो और दोनों तरफ जाकर अपनी होशियारी दिखा रहे हो इसका ये ईमान नहीं है लिहाजा जैसे सहाबा ईमान लाए वैसे ईमान लाओ कालू अनु मिनु कमा क़लु अनुमनकुमामफ़ा वो क्या कहते हैं ये मुनाफिकीन कि हम इन बेवकूफ़ों की तरह बात मान लें जैसे ये बेवकूफ़ मान रहे हैं सहाबा को वो कह रहे हैं बेवकूफ़ मेरे भाइयों आज भी ऐसे लोग हैं कि जो सहबा पर ज़बा दराजी करते हैं तो वो समझ जाना चाहिए उनको कि वो बेवकूफ़ है और मुनाफिकीन की सफ़ू में खड़े हैं अगर वो मोमिन हैं तो सहाबा पर ज़बान नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताली ये प्यारे नबी असल्लाम पर आयत नाजिल फ़रमा रहे हैं कि इन मासूमों की तरह आप भी मान लो जो सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह रब्लम के हुक्म के साथ खड़े हो गए और प्यारे नबीम की तस्दीक करने लग गए जी हाँ अल्लाह रब्लम ला ने फ़रमाया फ़हा वालामून ये बेवकूफ़ सहाबा को कहते हैं ये सच्चे लोगों को रदी अल्लाँ व रदुआअ उन लोगों को ये बेवकूफ़ कह रहे हैं असल में तो बेवकूफ़ ये हैं जो सहाबा को बेवक़ूफ़ कहता है गोया अल्लाह उसको बेवकूफ़ कह रहा है उम्मत मुस्लिमों के अंदर भी कुछ ऐसे गिरोह हैं कुछ जो है गैर मुस्लिमों के अंदर ऐसे हैं कि जो साहबा पर बात कसते हैं या बात करते हैं बुरा भला कहते हैं वो समझने अल्लाह उनको बेवकूफ़ कह रहा है और ये अल्लाह रब्लॉलमिन फरमा रहे हैं कि उनकी जिदालत के सबब वालमुन उनको इम नहीं हो रहा ऐसा इस वजह से कर रहे हैं वहीदा लकीन आ मनु कलुआ मन्ना अब उनकी आदत बयान कर रहे हैं जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ आपके सामने ये मुनाफिकीन करते क्या मोमिन की सफ़ों में आते तो कहते हम तो ईमान ले आए लिहाजा हमारा इस्तेवाल किया जाए हमें नवाज़शें की जाए हमें तो आगे सफ़ों में रखा जाए हमारे हमें तो लीडरशिप दी जाए हमारे पीछे चला जाए और बड़े बातें बना बनाकर पेश करते हैं वही वैदा ख़लाशयात ही नहीं और जब अपने बुरे दोस्तों की तरफ जाते हैं ना जिसको अल्लाह ते कहा शैतान उनके पास जब जाते हैं कारमा अकुम हम तो आप ही के साथ हैं जनाब इन नमस्तून हम तो मज़ाक करने गए थे बस उनके साथ मजाक करने गए थे गोया वो इनके पास आकर इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे थे जिसके बारे में अल्लाह ने शुरू की आयत में फ़रमा अनफुसिहिम इनको कहाँ धोखा दोगे धोखा तो अपने आप को दे रहे हो जनाब रब ने फरमाया इन नमा नहन हम आपके साथ ठठा और मज़ाक करेंगे यानी कि एक वक्त आएगा दुनिया में भी उनको रबल ने जलील किया उनके सामने हकीर कर दिया उनके साथ मजाक हुआ और कयामत के दिन तो बड़ा मजाक होगा उनके साथ उनकी तरफ़ तवज्जो तक नहीं दी जाएगी तवज्जो तक नहीं दी जाएगी जो रहमत की नज़र होगी ममिन के लिए वो किसी के लिए नहीं होगी उनके अंदर वो सहाबा वो अम्बिया वो शहदा वो सिद्दीकीन वो शु... और जो उस तरह ईमान लाए जिस तरह सहाबा लाए ये उन्हीं के लिए ख़ास होगी और दूसरों के साथ तो मज़ाक किया जाएगा कहा ये दुनिया में जो जो रवैया ये करके आए हैं इसके सबब आज तो बात सुनने के काबिल भी नहीं है इतने जो है घिरे हुए लोग होंगे अल्लाह फरमाते अल्लाहयजुबी मुद्द हम फितो या नहीं या महुन अल्लाह उनके साथ मजाक करते हैं और उनकी सरकशी और बहकावे में मज़ीद बढ़ावा दे देते हैं इन मोहलत देते हैं जितनी मन में आए कर लीजिए अंजाम दुनिया में भी रसवाई है आखरत में भी रसवाई है अगर बाज़ आ जाओगे तो बहुत बेहतर है बाज़ नहीं आओगे तो इसका अनजाम अच्छा नहीं है अल्लाह ने आखिरी आयत में फ़रमाया उलाई कलि नशतरा नश्ता रााउ वाल तबिल हुदा ये वो लोग थे जिन्होंने ने गराही को ख़रीदा हिदायत के बदले और ये तिजारत फमारा बेहद तजारत हम ये तिजारत इनकी काम नहीं आएगी व मकान महतदीम इन लोगों को हिदायत नहीं मिल सकती गोया जो मुनाफ़ी लोग होते हैं वो हिदायत के मुकाबले में ख़रीदना उनको चाहिए था हदायत गुमराही को बेच कर लेकिन वो गुमराही के बदले क्या कर रहे हैं कि हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद रहे हैं और जन्नत को दुनिया को कुर्बान करना था ख्वाहिशों को कुर्बान करना था जन्नत लेनी थी लेकिन उन्होंने क्या किया दुनिया को गले लगाया बल तो उन्होंने हया दुनिया बल आखिर तो अब अबका दुनिया को गले लगाने लगे और दुनिया को असल समझने लगे और उसकी उसको जमा करने के लिए ये सब फ़्राड और धोखे करने लगे अंजाम बहुत बुरा हुआ मेरे भाइयों अभी इस मौजू के लिए दो मिसालें अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं अगले दर्स में इंशाल्लाह आप समाद करेंगे आज के दर्स का अमली गोशा अख्तसार के साथ वो ये है झूठ नहीं बोलिए अपने दिल को साफ़ कीजिए इस्लाम के लिए इस्लाम से दिली तौर पर मोहब्बत कीजिए अपनी खलबत को दुरुस्त कर लीजिए और हमेशा असलाह की बात कीजिए कभी वो बात मत कीजिए कि जिससे फसाद हो ये निशानी किन की है मुनाफिकीन की है इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के साथ मजाक नहीं करना है ये मुनाफिकीन की निशानी रही है बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के साथ मोहब्बत करनी है उनके साथ हमदर्दी करनी है नसीहत से काम लेना है उनके साथ राजदारी से काम लेना है ये अमली पहलू हमें और आपको याद रखने और इस पर अमल करना है दुआ गोल्ला कहने वाले और सुनने वालों को अमल की तोफ़ी बख्शे आमीन व सल्नब्रीम अलकुम वरहि वर्का